अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारें, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे मेरे प्रभारी जी रंधावा साहब का अभी अभी फ़ोन आया है कि उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। वो शायद उनकी स्वीकृति उनको मिल गई है कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी भाइयों के बीच में हम 9 तारीख को एक बड़ी बड़ी सभा करने जा रहे हैं मानगढ़ मानगढ़ में, जहाँ वो मानगढ़ धाम पे जो है। और ये जो प्रधानमंत्री जी की 5-6 रैलियाँ हुई हैं, उसमें जितने लोग कुल मिला करके आए हैं, हमारा टारगेट है कि उतनी सभा से हम लोग वहाँ से विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। और मानगढ़ स्मारक जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की बरसों से मांग चली जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी सरकार है तो राहुल जी की मौजूदगी में वहाँ के लिए हमारी सरकार कोई ऐसा तोहफा दे जिससे उनका एक तरीके से जो उत्साह बना रहे, उनका मान सम्मान हो। और ये जो स्मारक, हम राष्ट्रीय स्मारक तो इसको नहीं घोषित कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक जैसा बने और उन ऊंचाइयों को छुए जो उनके आदिवासियों की परिकल्पना हमेशा से बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी काम होगा। खड़गे जी भी आएंगे अभी जो सूचना मिली है वही मैं आपको बता पा रहा हूँ। क्या मानगढ़ धाम की में इतने क्राउड होते हैं कि दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी इस बार मानगढ़ धाम की तो पूरे देश में गूंज उठी थी और अंग्रेजों को हिला दिया था और आज़ादी मिली थी। तो आदिवासियों की हुंकार को कम नहीं आंका जा सकता, इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट हो, इसके साथ साथ देश में सत्ता परिवर्तन हो, इसके लिए भी वहां से हुंकार भरी जाए। एक तो जब सबसे बड़ी बात पिछले चुनाव में इस इलाके से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस को इतनी सफलता नहीं मिली, पूरे उदयपुर डिवीजन में, खासकर इस पर ही बैठ में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मान लो देखिए, खासकर हमारे में और बीजेपी में फर्क है। हम काम के लिए काम करते हैं, वो केवल वोट के लिए काम करते हैं। उनकी जो सभाएं हो रही हैं वो पॉलिटिकल सभाएं हो रही हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो आदिवासी भाइयों के बीच में राहुल गांधी जी का आना और वहाँ हम लोगों का सबका जाना एक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संदेश है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके कल्याण के लिए, आपके आगे बढ़ने में जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, आपके सुख दुख में हम भागीदार बनेंगे। इस तरीके की भावना लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है ट्राइबल बेल्ट, एक जमाने बढ़कर आफ्टर 1952 गांधी परिवार के साथ में जुड़ाव रहा इस पूरी बेल्ट का, लेकिन पिछले कुछ सालों में छटकी है और लोकल पार्टीज ने वहाँ जन्म दे दिया, वो कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे आदिवासी पार्टी की नहीं आ रही, क्या लगता है? देखिए, अब की बार आपको बहुत चेंज मिलेगा पिछली बार से, क्योंकि जो आदिवासी सेक्टर के लिए काम हुआ है, जो 25-25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री इलाज मिल रहा है, 10 लाख की गारंटियां मिल रही हैं, जो घरेलू बिजली का कनेक्शन है उसके 100 यूनिट फ्री मिल रही है, पशुओं के लिए भी गारंटी मिल रही है 40 लाख रुपए की, सिलेंडर भी 500 रुपये में बीपीएल आदिवासी भाइयों को जो मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब सरकार की योजनाओं से और उसका जो लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब आदिवासी भाई बहन को मिल रहा है, उससे वो लोग बाग खुश हैं। और ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे कि वहाँ से कांग्रेस बहुत ही भारी सीटें लेकर के आएगी और राजस्थान में दोबारा 2023 में हम सरकार बनाएंगे।